रातों रात स्टार बनी और अब बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर आने वाली मनीषा रानी की चर्चा चारों तरफ हो रही है। बिहार की मुंगेर की रहने वाली मनीषा रानी लाखों करोड़ों दिलों पर राज कर रही हैं। बिग बॉस ओटीटी में नजर आ रही बिहार की ये ब्यूटी क्वीन, बिहार की एक खूबसूरत बाला मनीषा रानी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इनके बिहारी स्वैग और बिहारी डायलॉग, भोजपुरिया लहजा कमाल कर रहा है। लेकिन मनीषा ने हाल ही में अपने स्ट्रगल की एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने सबको हैरान कर दिया। हस्ती खेलती मनीषा को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि अपने जिंदगी में मनीषा रानी ने कितना संघर्ष किया और आज संघर्ष करके छोटे से गांव से निकलकर बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर आ रही हैं। मनीषा रानी के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। 16 साल की बाली उम्र में मनीषा रानी घर से भागी, वेट्रेस की नौकरी की, दर दर की ठोकरें खाई और अब बिग बॉस ओटीटी में नजर आ रही हैं। बिग बॉस तक पहुंचना मनीषा रानी के लिए काफी संघर्ष भरा सफर रहा। बता दें कि बिग बॉस ओटीटी का सीजन 2 को शुरू हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता, लेकिन इसने रफ्तार पकड़ ली है। शो में दर्शकों को मनीषा रानी सबसे ज्यादा पसंद आ रही हैं, जो कि बिग बॉस के घर में खूब एंटरटेनमेंट का धमाका कर रही हैं। लोगों को अपने एंटरटेनमेंट से खूब एंटरटेन कर रही हैं। उनके भोजपुरी अंदाज ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है। यहाँ तक कि घर के सदस्य भी मनीषा रानी की तारीफ करते नहीं थकते। बिहार की रहने वाली ये बेटी मनीषा रानी की तारीफ तो सलमान खान ने भी कर दी, लेकिन हाल ही के एक एपिसोड में मनीषा रानी ने अपने स्ट्रगल की ऐसी कहानी सुनाई जिसने सबको हैरान कर दिया। आपको बता दें कि मनीषा रानी स्टार बनने के लिए घर से भागी थी, गुजारे के लिए वेट्रेस से लेकर के डांसर तक का काम किया और दर दर की ठोकरें भी खाई। मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी 2 के लेटेस्ट एपिसोड में अपनी जिंदगी के स्ट्रगल और परिवार के बारे में बता रही थी। उन्होंने बताया कि वो घर से भाग गई थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो डांसर बनना चाहती थी, लेकिन पापा इसके खिलाफ थे। मनीषा रानी ने बताया कि जब वो घर से भागी तो पापा के नाम एक चिट्ठी छोड़ गई थी जिसमें लिखा था, पापा मुझे माफ कर दीजिएगा। घर से भागने के बाद मनीषा रानी टिकट के बिना ही ट्रेन में चढ़ गई और कोलकाता का सफर तय कर लिया। कोलकाता जाने के बाद मनीषा रानी ने कई तरह के जिंदगी में उतार और चढ़ाव देखे। मनीषा रानी ने ऑर्केस्ट्रा में भी डांस किया, जहां मनीषा को काफी परेशानी हुई। वहां से भागकर मनीषा वापस कोलकाता आती हैं। उसके बाद फिर वेट्रेस की नौकरी करती हैं। इसके बाद भी मनीषा को सफलता नहीं मिलती है, जिसके बाद मनीषा रानी वापस बिहार चली जाती हैं। लेकिन इसके बाद मनीषा का एक वीडियो वायरल होता है और वहां से मनीषा रातों रात स्टार बनती हैं। और फिर मनीषा को एक के बाद एक कई ऑफर्स मिलने लगते हैं, जिसके बाद मनीषा बिहार से मुंबई तक का सफर तय करती है। और इसके बाद मनीषा पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं और आज मनीषा बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 में नजर आ रही हैं। मनीषा रानी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। मनीषा रानी के फैन आम लोग तो है ही, इनके साथ साथ बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान भी मनीषा रानी से काफी इम्प्रेस हो चुके हैं।